जो लॉकडाउन के दौरान आई थी 15 दिन यह 15 दिन का लॉकडाउन से उदो उन्होंने कहा कि फीस देने की लड़ नहीं हैगी। लॉकडाउन महीनों के हिसाब न चल गया तो तुम कह दिता कि फीस ले ली जाए। यहोजी कई भाई गल् की गई जमीन के उत्ते आने की जरूरत ही नहीं समझी। पंजाब के निजी स्कूल संचालक मापिया तो पूरी फीस का 70% वसूल सकनगे। यह हुक्म पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने शुक्रवार को जारी किए सन। स्कूल प्रबंधकों नूं कहा गया है कि अगले हुक्मां तक स्कूल अध्यापक अते होर कामियां नूं तनखाह दा 70% हिस्सा दिंदे रहन। निजी स्कूल संचालक ने पंजाब सिक्ख्या महकमे दे उन्हां हुक्मां नूं चुनौती दित्ती सी जिन्हां विच कि स्कूल प्रबंधकों नूं विद्यार्थियों तों सिर्फ ट्यूशन फीस लैण दे ही निर्देश दिते गए सन। पर जेकर उत्थे ही हुण गल कीती जावे इन्हां निजी स्कूलां दी, जदों ही देश भर में करफ्यू ते लॉकडाउन लगा दिता गया सी तां इन्हां निजी स्कूलों वालों हुक्म जारी किए गए सन कि बच्चों तो फीस नहीं ली जाएगी। पर जदों ही उन्होंने पता लग्या कि यह लॉकडाउन तो तकरीबन 2 महीनों वांग ही चलेगा तो उन्होंने बच्चों तो फीस लैण दी गल आखी। अते अज अपने फेसबुक ते लाइव होए मनदीप सिंह मन्ना ने की आख्या इसे मामले ते आओ सुनते हैं। साथियों अज जो मैं बोलन लगा बहुते लोग शायद ये सहमत नहीं होंगे क्योंकि गल जी मजोरिटी तो मनोरिटी की है। मेरी आदत बाकी पॉलिटिशियन वर्गी नहीं हैगी कि जिधर ज़्यादा गिनती होगी झुका उधर नू कर लिया। कोशिश करदा हमेशा सच बोलन की तो गल कर लगा कि प्राइवेट स्कूल्स जिन्हां दे विच अज पेरेंट्स ते स्कूल का जिहड़ा टकराव कित्थों शुरू होया तो उहदे लई जिम्मेवार कौन आ। मिस्टर सिंगला की एक वीडियो मैं सुनता सीगा बुधवार को आई सी कि पे जिहदे विच उह पेरेंट्स स्कूल ते बच्चियां ते टीचर नू वख-वख हदायतां ते उहदे नाल नाल तंज कसदे नज़र आए। इस तों पहलां भी कई वीडियोज़ उहनां दीआं लॉकडाउन दे दौरान जिहड़ियां आउंदियां रहियां ने। पहली वीडियो जदों लॉकडाउन दे दौरान आई सी 15 दिन यह 15 दिन का लॉकडाउन से उदो उन्होंने कहा कि फीस देने की लड़ नहीं हैगी जदों कि उदों बहुते पेरेंट्स नूं कोई बहुता लम्मा चौड़ा फर्क नहीं सी पैना 15 दिनों के नाल। जदों लॉकडाउन महीनों के हिसाब न चल गया तो तुसीं कह दिता कि फीस ले ली जाए। ये वख-वख फरमान तुसीं जिहड़े होर जारी कर दिते कि ट्यूशन फीस ली जाए, एडमिशन फीस ना ली जाए, ट्रांसपोर्टेशन ना ली जाए, टीचर नूं तुसीं कट नहीं सकते जिहड़े प्राइवेट स्कूलों वाले ने उन्हां दी सैलरी दे उत्ते कट नहीं ला सकते। इहो जिहियां कई भाई गल्लां कीतियां गईयां जमीन दे उत्ते आउण दी जरूरत ही नहीं समझी, जमीनी हकीकत नूं ही नहीं समझिया गया, जिस करके अज पेरेंट्स ते स्कूल दे जिहड़े रिश्ते उह खराब हो रहे आ। इहदे नाल नाल जो तुहाडा लहजा सीगा प्राइवेट स्कूल्स ते टीचर दे प्रति उह बहुत ज़्यादा हंकार भरिया सीगा, तुसीं इह क्यों भुल गए कि IAS IPS ते तुहाडे अर्गे कई मंत्री इह प्राइवेट स्कूल ही तैयार करदे आ। शायद तुसीं भी किसी प्राइवेट स्कूल दे विच ही पढ़े होगे। तुसीं टीचर दा मान सम्मान ते की करना सी, तुसीं स्पैशली फीमेल टीचर बारे कहा कि पैसे की जरूरत लई काम करदियां। मैं तेरे ध्यान च लियाउणा चाहुंदा कि टीचर्स नूं पॉलिटिशियन ना समझ के हर काम पैसे लई करना हुंदा। जरूरी नहीं कि हर काम पैसे लई कीता जावे। बहुत सारियां अजिहियां लड़कियां ने जो पैशन लई सोशल सर्विसिज लई नेशन डिवेलपमेंट लई जिहड़ियां उह पढ़ाउण आउंदियां ने। टीचर की इज्जत बहुत ज़्यादा समाज के होंदियां, इस करके वह पढ़ाउंदियां ने अपनी इज्जत कमाउण की खातर। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ते वड्डे कारोबारियां दीआं बच्चियां ते नूहां जिहड़ियां स्कूलां दे विच पढ़ाउंदियां ने हो सकदा उह तेरे तों वी वध अमीर होण। ते कई फीमेल टीचर जिन्हां नूं मैं जाणदा उहनां दा सैक्रीफाइस इह है कि एक स्कूल च एक शहर दे विच उहनां दा इन्ना ज़्यादा लगाव हो जांदा पढ़ाउण दे नाल नाल कि उहनां नूं इन्ना ज़्यादा जनून हुंदा, उह विआह तक नहीं कराउंदियां। इह सैक्रीफाइस जिहड़ा टीचर करदे ने। पर तुसीं की जाणो अध्यापक दा मान सन्मान करना, तुहाडी सरकार ने ते अध्यापकां दी शराब दीआं फैक्ट्रिया के उत्ते ड्यूटी ला दी बोतल गिण के उत्ते। इस गल का मीडिया के विरोध होया तो फिर यह फैसला वापस लिया गया जबकि तेनू चाहिदा सीगा, तू एडा यंग मिनिस्टर सीगा, इस गलत काम का तेनू विरोध करना चाहिदा सी। फिर तुसीं कहा कि जिन्ने दिन पढ़ाया उन्ने दिन के पैसे लो। सिंगला साहब ये कोई दुकान तो खरीदने वाली चीज़ नहीं है, पढ़ाई के पैसे दे के चीज़ खरीद ली। टीचर का सत्कार करना चाहिए सरकार वालों भी ते पेरेंट्स वालों भी, पर तेरा कसूर नहीं, तू एक बेहद प्रोफेशनल व्यापारी पॉलिटिशियन हाँ जिन्होंने हर चीज़ आदत होंगी आ कि पैसे दे के खरीदन की, खरीद के चीज़ लैन की, हर चीज़ को पैसे नाल तोलन की। फिर वह भावें वोटा हो भावें पढ़ाई होवे, इतों तक कि तेरे अर्गे पॉलिटिशियन समेत तेरे
फेसबुक के उत्ते दिल परचावा कर ली, लोगों च फोकी शोहरत ली, अपनी पोस्ट तक स्पोंसर करके लाइक ते जिहड़े कमेंट्स आ मुल खरीद दिओ, जबकि असल चानण तेनू अपने अंदर हुंदा कि शोभा जिहड़ी मुल दी आ। गालिब ने बड़ा वधिया शेर लिखा तेरे लिए कि तुमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को ये ख्याल अच्छा है। अपने दिल नू खुश करता रहना, पब्लिक दे विच असलीयत लोगों नू भी पता हुंदी आ ते तेनू भी अंदर अपनी असलीयत पता वा। हुण मैं तेनू पुछना चाहुंना कि 2 महीने लॉकडाउन दे विच पेरेंट्स ते स्कूल दा जिहड़ा झगड़ा सी उहनू निपटाउण लई तू की कीता, सवाए फेसबुक ते लाइव होण तों, बिना सिर पैर दीआं हदायतां जारी करन तों। इह 2 महीने सिर्फ तू अपना महकमा जिहड़ा फेसबुक दे उत्ते चलाया, सानू ते ऐ महसूस हुंदा सी कि साडा मंत्री विजेंद्र सिंगला ना हो के फेसबुक दा मालक जिहड़ा मार्क जुकरबर्ग गया उह होवे। इक गल होर, तेरे कोले इक होर महकमा PWD जिहनूं पब्लिक वैलफेयर पब्लिक वर्कस डिपार्टमेंट कहा जांदा वी ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਹਿਕਮਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ PWD ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ PWD ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਖਾਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਤੂੰ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬਚਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੌਫਤੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਖਰਚ ਕੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਐਡਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਰੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੇਰੀ ਇਸ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ 70% ਜਿਹੜਾ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਰਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਕਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਹਸ਼ਰ ਦਾ, ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲਾਈਵ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਂਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਊਂਗਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿਖਾ, ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਰਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਏ ਆ। ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਪ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਕੂਲਸ ਵੈਨ, ਪੇਰੈਂਟਸ, ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੇਰੇ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਬਤ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਖਰਚੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਬਚਾਉਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ? ਜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਹੱਲ ਬਚਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਓ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਓ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਅਫੋਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਓ। ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਉਹ ਨੇ
जेडे सरकारी तंत्र ते पोलिटिकल तंत्र की छत्र छाया दे हेठ चलते हैं, जिन्हों का अज तक कोई कुछ नहीं विगाड़ सकिया। सरकार जिहड़ी मर्जी होवे ते उत्थे बच्चे पढ़ाउण नाल मध्य वर्गी परिवारों की हालत हो जाती है, उन्हां दीआं फीसां दे नाल नाल स्कूल दीआं बिल्डिंग्स खड़ियां हो जांदियां ते मापिआं दीआं जिहड़ियां बिल्डिंगां वो विक जांदियां ते ढह जांदियां वा। उन्हां दा खर्चा आम परिवारों लई झलणा बहुत औखा वा। इस करके स्कूल जिहड़े बचाउणे ज़्यादा जरूरी है, जिथे हज़ारां दे हिसाब नाल फीस ली जाती है, मेनटेनेंस के खर्चे हजारों के हिसाब न ले जाते हैं, हजारों के हिसाब न किताबा दिखाई जाती, साल च दो दो तीन तीन बारी यूनिफॉर्म चेंज की जा, हर साल सिलेबस बदल दिए जाते हैं कि अगलिया किताबा किसी बच्चे के काम आ जाए। इन कुछ स्कूलों करके कई छोटे जोड़े प्राइवेट स्कूल है वह भी बदनाम होंगे है, तो लोगों का सरकार का विरोध चलते रेंदे है, जो मुश्किल के नाल अपने खर्चे कढ़ते हैं। वड्डे स्कूल इन्ने ताकतवर ते इन्ने ताकतवर ने कि इन शिकायत उन्होंने खिलाफ आउंदियां हर साल, कदी कदी कोई कार्रवाई नहीं हुंदी उन्होंने खिलाफ, ते नतीजा यह निकलता कि वड्डे मगरमच्छे छोटे जिहड़े स्कूल है इन्हां खा जाणगे। नतीजा अखीर च यह निकलना तुहाडा, ये छोटे स्कूल खत्म हो जाएंगे, जां तुहानूं सरकारी स्कूलों जाना पैना, जां अपना घर बार वेच के इन्हां वड्डे स्कूलों च बच्चे पढ़ाने पैने आ। एजुकेशन मिनिस्टर दे नादरशाही हुक्म जारी जिहड़े उन्हें जारी किए आ स्कूलों वास्ते कि कोई भी प्राइवेट स्कूल टीचर या नॉन टीचिंग स्टाफ नूं कढ़ नहीं सकेगा, ना उन्होंने सैलरी घट कर सकेगा। ये नाल नाल पर यह नहीं दस्या उन्हें कि यह चलूगा कदों तक, उल्टा ये कह दिता कि स्कूल जिनी देर पढ़ाएगा उन्नी देर फीस लेगा। यह नहीं दस्या उन्हें स्कूलों कि स्कूलों ने अपने खर्चे कितों पूरे करने ने, स्कूलों के बिजली के बिल तनखावां सारा कुछ, उन्हें बिजली के बिल जिहड़े एवरेज नाल लग के आ रहे तुहाडी सरकार कोलों ते वह माफ़ नहीं होए कि स्कूलों के भी बिल माफ़ कर दीए, तो स्कूल अपने खर्चे कितों कढ़णगे। हालात स्कूलों के की आ, मैं स्कूलों के उत्ते तिना चौं के उत्ते स्टडी करके आया कि एक स्कूल दे विच हज़ार बच्चा है, प्री नर्सरी तो प्लस टू दे तक 75 बंदियां दा स्टाफ है, उहदे विच टीचिंग ते नॉन टीचिंग स्टाफ, जिहदी सैलरी 5 लाख रुपया बनती, मतलब 60 लाख रुपया साल दी, ते 600 रुपया ट्यूशन फीस लैंदे ने, 60 लाख रुपया मतलब 6 लाख रुपये हिसाब नाल 72 लाख रुपया यह बनता, जिहदे विचों 400 रुपया एनुअल चार्जिज लैंदे ने, 76 लाख रुपया टोटल इकट्ठा करते हैं, 60 लाख रुपया सैलरी दे विच दे दिंदे आ, ते बाकी बचता 16 लाख रुपया, ते 16 लाख दे विचों 3.5 लाख प्रोविडेंट फंड, 1.5 लाख रुपया ईएसआई फंड, इहदे नाल बिजली दे बिल, पानी टैक्स, होर खर्चे, प्रॉपर्टी टैक्स, फायर ब्रिगेड का टैक्स, ते होर बहुत सारे जिहड़े सरकार नूं टैक्स है उन्हां छड्डे ही नहीं, उह उन्हां नूं देणे पैंदे आ। 2 महीने की वह सैलरी दे चुके, उन्होंने हालात यह बन चुके हैं, तो 3 महीने की सैलरी उन्होंने 11 तो रिश्तेदार तो उधार लोन लैके गए वापस कर देंगे, स्कूल खुलणगे तो दिती है। इस तो बाद उन्होंने दसिया कि जे इस तो बाद भी स्कूल ना खुले तो साढ़े जिहड़े स्कूल बंद करन दी असी तैयारी कर ली, इस तो बाद असी चला ही नहीं सकते। तो इस तरह के हज़ारा स्कूल ने पंजाब दे विच जिहड़े बंद होण दे कंढे ते आ गए आ। सिर्फ ट्यूशन फीस दे नाल स्कूल नहीं चल सकते, क्योंकि सरकार नूं सरकार जिहड़ी उह कुछ भी माफ़ करन लई तैयार नहीं, अपने वल्लों जिहड़े उन्हां ते खर्चे पैंदे सरकारी उह वी छड्डण नूं तैयार नहीं। करना तो यह चाहिए सीगा कि हर प्राइवेट स्कूल सरकार नूं यह चाहिए सी कि उन्हां दी बैलेंस शीट हर साल उन्हां कोल आउंदी है, जिन्हों प्रगति रिपोर्ट कहिंदे आ, हर स्कूल सरकार नूं भेजदा। सरकार नूं इन्हां लई कोई पैकेज जारी करना चाहिए सी, बिना ब्याज तो लोन दिंदी, इन्हां कोल वापस लै लैंदी स्कूल खोलण लग्या, उपर वाले सरकारी खर्चे माफ़ कर दी तां इह स्कूल बच सकदे आ। पंजाब सरकार दी ते छड्डो, केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज जारी किया, वेंटीलेटर्स के बजट ने 100 करोड़ रुपया करोना के उत्ते रिसर्च करन दा, ते जिहड़ी पढ़ाई वेंटीलेटर के उत्ते आ गई वह बजट कित नज़र नहीं आ रहा। जमीनी तौर के उत्ते स्कूल बचाए नहीं जा रहे, ना उपर वाले सोचते तो ना तुसीं थल्ले वाले सोचते हो, उन्हां भी एड्डी वड्डी अमाउंट दस के सिर्फ लोगों को जिहड़ा खुश करन दी कोशिश की, हकीकत इहदे विच है ही कुछ नहीं। तो तुम्हें मिस्टर सिंगला अपनी लाइव वीडियो च अगले 3 साल सिक्ख्या वधिया बजट लैके आने का लारा दिता, तो यह नहीं दस्या भी आना कितों आ पैसा, टैक्स तो लोगों ने देना, तो मूर्ख भी लोगों ने बनना। तेरे वर्गे बंदे उत्ते एक मैं मिसाल देन लगा कि तेरे वर्गे मंत्री ने साडे वर्गियां भेडां लई एक दिन ऐलान किया सीगा कि अगले साल तुहानू स्वैटर वंडे जाणगे, तो साडे वर्गे बड़े खुश होए कि अगले साल मंत्री ने स्वैटर वंडणे आ, तो साडे वर्गियां नू स्वैटर लैण तक समझ नहीं आई कि साडी उन्न मुन के जिहड़े तू स्वैटर दित्ते आ
हाल तेरा ओ के पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। जे रेत माफिया नू 20 करोड़ रुपया माफ कर सकते सी ते पढ़ाई लई क्यों नहीं कुछ किया गया, एदे उत्ते कोई बजट अलग क्यों नहीं रखा गया, एदे लई कोई पैकेज जारी क्यों नहीं किया गया, इन्हां दे खर्चे क्यों नहीं माफ किए गए। तेरे एक होर बेवकूफी फरमान करके के मापे स्कूल वैन दे आटो वाले नू पैसे ना देन, तेरे इस हुक्म नाल लखां परिवारां दी जिहड़ी भुखे मरन दी नौबत आ गई आ। तेरे इस हुक्म तों बाद जेड़े मापे उन्हां लोकां दी मजबूरी वेखदे होए उन्हां नू पैसे देन नू तैयार सीगे, तेरे हुक्म तों बाद उन्हां वैन वालियां दे ते आटो वालियां दे फोन चुकणे तक बंद कर दित्ते कि मंत्री दा हुक्म है, ते तू ए नहीं सोचिया कि पंजाब च 50,000 वैन ते किन्ना आटो वाला, एक वैन दे विच ड्राइवर कनैक्टर लेडी कनैक्टर 3 परिवार जुड़े हुंदे आ, 1.5 लाख परिवार नूं तू भुखे मरन लई मजबूर कर दिता। उन्हां दे खर्चे भी उन्ने ही ने, वह भी नहीं घटे स्कूलों वांगू, उन्ने दे उन्ने खर्चे ने उन्हां दे, उन्हां दी गड्डी दी किश्त, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, पासिंग सारे खर्चे दे सिर ते आ, सिर्फ डीजल नूं छड्ड के वह बेचारे तरले कढ रहे आ कि सानूं अद्धे पैसे ही दे दिओ, साडी सेविंग भी खाधी गई है। पेरेंट्स पहला भी जून जुलाई ते दिसंबर दीआं छुट्टियां दे पैसे दिंदे रहे आ, उन्हां नूं कोई मजबूरी नहीं सी लगदी, पर तेरे कहण तों बाद इह पैसे बंद कर दिते गए। मैं पेरेंट्स नूं भी कहना चाहुंदा कि जिहड़ा बंदा सारा साल तुहाडे बच्चिआं नूं अपने बच्चिआं नालों वध हिफाजत करके लैके जांदा ते तुसीं उन्हां तों मूंह किवें मोड़ सकदे हो कि जिवें दुबारा जिंदगी ली ते आउणी नहीं ते दुबारा उन्हां दी लोड़ ही नहीं पैणी, इह अहसास ना कराओ उन्हां नूं। सिंगला साहब, जिन्ना जोर तू प्राइवेट स्कूलों के पेरेंट्स की झड़प कराने के उत्ते ला दिता, जिहड़ी तेरी असल जिम्मेवारी सी सरकारी स्कूल उन्हां दी तू की कीता। सानू पता लगा कि सरकारी स्कूलों के बच्चों व्हाट्सएप के राही ऑनलाइन पढ़ाई कराने का जिहड़ा तुसीं ये फार्मूला कढ़िया टीवी चैनल के राही डिश टीवी के राही, जिहड़े शहरी इलाकों के स्कूल आ उन्हां कोल ते मैं मन सकदा कि बच्चों को स्मार्टफोन होणगे घरां दे विच शहर वालियां जिहड़ियां साडियां मावां भैणां जां उन्हां दे बाप आ उन्हां रखे होणगे, पर पिंडां वाले जिहड़े बच्चे आ जिहड़े सिर्फ मिड डे मील खाण दे लालच दे नाल स्कूल आउंदे आ, उन्हां दे पैरां दे विच बूट नहीं हुंदे, कपड़े उन्हां दे पाटे हुंदे आ, उह ऑनलाइन पढ़ाई किद्दां कर लेगा, इह मैनूं उह कर लैणगे, मैनूं समझाएगा तूं? सरकारी स्कूलां च बच्चों की गिणती पहला ही बहुत घट है, जे तू कुछ करना चाहता तो उत्थे सोशल जिहड़ी डिस्टेंसिंग आ उह रख के उन्हां दीआं क्लासां लग सकदियां सी, तेरा फर्ज सरकारी स्कूलों का ध्यान रखना सी, पर तू तो प्राइवेट स्कूल भी बंद कराने के कंधे के उत्ते लै आया, सरकारी स्कूल तुसीं की बचाउणे सी? इत्थों तक कि प्राइवेट स्कूल भी ऑड ईवन जां दिन दे विच दो क्लासां अद्धियां अद्धियां करके लाउण नूं तैयार ने अपने स्कूल बचाउण लई, पर तेरा ध्यान ही नहीं हैगा इस पासे, तैनूं सिर्फ PWD दिसदा वा, उहदे ठेकेदार दिसदे आ, पढ़ाई दे उत्ते तू ध्यान देना ही नहीं चाहुंदा। इत्थों तक कि स्कूलों वाले भी समझदे आ कि ऑनलाइन पढ़ाई जिहड़ी उह सक्सैसफुल नहीं हैगी, तेरी ड्यूटी सी ऑनलाइन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तू चैक करदा, नहीं ठीक सीगी ते फिर कोई होर रस्ता लभदा। मैं तैनूं दसदा कि ऑनलाइन पढ़ाई च टीचर्स बच्चों के मापिया नूं दिक्कतां की आउंदियां जिहड़ियां तेरे दिमाग च भी नहीं हैगियां। पहली गल कि हर परिवार इहो जिहे समें दे विच 10-15 हज़ार का स्मार्टफोन अपने बच्चे नूं नहीं लैके दे सकदा, लॉकडाउन के दौरान तंगी बहुत ज़्यादा है, तो जे कोई लै भी दे औखे सौखे हो के अपने बच्चे नूं, तो बच्चे की 2 घंटे की क्लास आ, उस तो बाद बच्चे फोन ही नहीं छड्डदे, गेम्स खेडदे आ, हॉरर मूवीज़ देखते हैं, उन्होंने कन्नां दे विच मतलब सारा दिन हैडफोन लगे होंगे आ, जिहदे नाल बच्चों नूं पैनिक अटैक आने शुरू हो गए, भी किसी डॉक्टर ने दस्या। स्क्रीन टाइम्स बहुत ज़्यादा होने करके बच्चों दीआं अखां कमजोर हो रही, मापे बेवस हन ये समझते हुए भी कि छोटे बच्चों नूं फोन देना खतरनाक है, फिर भी असी लोग उन्होंने अपने हाथी फोन फड़ा रहे हैं। ये ना भुलो कि बच्चे गलत साइड्स ते पहुँच सकते हैं, एक पीढ़ी विगड़न का जिहड़ा खतरा हो गया तेरिया बेवकूफिया दे नाल। दूजे पासे टीचर भी जिथे 9 to 2 बजे तक स्कूल च रहिंदे सी, क्लास लाउण तो बाद अपने निजी काम कर लैंदे सी, अपने परिवारां दा ख्याल रख लैंदे सी, उन्हां कोल शाम उन्हां नूं शाम तक जिहड़ा ऑनलाइन रहना पैंदा वा, कदी बच्चे जां पेरेंट्स कोई भी क्वेरी जिहड़ी उन्हां कोल ले लैंदे आ, उस तो बाद अपने स्टाफ दे नाल ते प्रिंसीपल नाल मीटिंग करदे आ, ते उस तो बाद नोट्स तैयार करदे आ, उन्हां दा समां जिहड़ा किन्ना जाया हो रहा, और वो अपने बच्चों वल ध्यान ही नहीं दे सकते होणे अपने परिवारां दे वल, ते इन्ना कुछ करन तो बाद
बच्चों को टीचर फीडबैक नहीं मिल पाता कि जो उन्होंने क्लास के फेस टू फेस वेख के जा बच्चे को कुछ पूछ के मिल जाता सीगा। कई फीमेल टीचर तो उन्होंने परिवार मानसिक तौर पर इस गल तैयार ही नहीं है कि वह अपन जो लड़कियां बच्चिया जिहड़ियां टीचर्स आ उन्होंने वीडियो बना के लोगों के घर भेजिया जान और ना चाहते हुए भी अपना चेहरा दिखा रही कि उन्होंने नौकरी ना चली जाए। ये ऑनलाइन पढ़ाई के नाल सरकारी प्राइवेट स्कूल तो अमीर गरीब यदा पाड़ा और कितना ज्यादा वध जाना वा जदों की इक्वल एजुकेशन फॉर आल होनी चाहिए है। ये होर कि फर्क पेगा जोड़े बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे जोड़े गरीब हो गए कि शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग ना सबका सम होगा, नहीं किसी को बहुत अधिक नहीं किसी को कम होगा। सिंगला साहब तुसी क्या सीगा कि जे को मेरी गल नहीं मानता जे को गलत करता ओदी शिकायत इत्थे कर दो ओदी शिकायत उत्थे कर दो। पिछे जे एक शिकायत आई सी कि एक वड्डे स्कूल वालों बच्चे नूं ऑनलाइन क्लास लाउण तों लैफ्ट कर दिता गया फीस ना देण करके, की एक्शन लिया तुसी उहदे उत्ते? जदों कि वड्डे स्कूल मैं पहलां वी दस्सिया कि इन्ने ताकतवर आ जे मापे उन्हां दे अगे अपने हक दी जां तुहाडे हुक्म जाके उन्हां नूं दसदे आ ते उह पेरेंट्स दे उत्ते परचा दर्ज करा दिता गया, क्योंकि वड्डे स्कूल अपनी जिहड़ी उन्हां दी पोलिटिकल ते प्रशासन तक अप्रोच हुंदी आ जिहड़ी मापे कर नहीं सकदे ते तुहाडे अगे मुड़ के बात नहीं पुछदे हुक्म देण तों बाद। मैं उन्होंने स्कूलों में ही कहना चाहना कि मापियां के हालात तुहाडे कोल लुके नहीं हुंदे, हर क्लास टीचर नूं मापियां दे हालातों तो जिहड़ा पता हुंदा वा टीचर जाणू हुंदा वा। पेरेंट्स भी कई बहुत मजबूर हन जिहड़े पैसे नहीं दे सकदे, कई सिंगल मदर है जिन्हां दे पति नहीं हैगे, प्राइवेट नौकरी करके भी फिर भी अपने बच्चों प्राइवेट स्कूलों के वधिया स्कूल पढ़ाने की कोशिश करते हैं, वह कित्थों फीस दे देणगे पूरी दी पूरी? मापे भी घर बैठे है, सारे खर्चे उन्होंने भी पहला अंग ही चल रहे हैं, बिजली टैक्स हर चीज़ उन्होंने को लई जा रही है। कम से कम यहोजे हालात वेखते हुए स्कूलों थोड़ा बहुत जो समझौता वो पेरेंट्स के गरीब जो जरूरतमंद पेरेंट्स आ उन्होंने जरूर करना चाहिए, तो सरकार को भी कितने ना कितने स्कूलों का साथ देना चाहिए, उन्होंने वाधू खर्चे जोड़े उतले पै रहे हो माफ करने चाहिए आ। यह योगदान एक दूजे को दे के एक दूजे का साथ दे के ही बचाया जा सकता, नहीं तो नहीं बच सकते। तो मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहना कि वो ये टाइम स्कूलों को माड़ा बोलने का नहीं है बल्कि स्कूलों को बचाने का है। ये तो फिर तुहाडे बच्चों को पढ़ा रहे हैं इन्हां स्कूलों को जिन्हां नूं तुसीं बोलदे हो माड़ा पढ़ा रहे आ चंगा पढ़ा रहे आ उहदे बदले पैसे मंग रहे आ, पर सरकार जो चीज़ तुसीं वरती नहीं उहदे विच बिजली है होर कई तरह के टैक्स है जिन्हां नूं तुसीं दुकानां ते अपने दारियां च वरत्या ही नहीं वह भी सरकार ने ला के भेज दिते, उहदा विरोध क्यों नहीं कर रहे? उहनां लई सड़कां ते क्यों नहीं उतर रहे कि जिहड़ी चीज़ वरती नहीं उहदे पैसे को दईए? फिर सिक्ख्या मंत्री कह रहे कि जे स्कूल लग गए तो बच्चे खेडणगे एक दूजे नूं मिलणगे बीमारी फैलेगी, पर मैं तैनूं दस दवां कि बच्चे तेरे ते मेरे नालों कितें वध सियाणे हुंदे आ, उह रूल ज़्यादा छेती ते वधिया तरीके नाल फॉलो कर सकदे आ। दूजी गल बीमारी ते जाणी नहीं, बच्चों नूं इहदे नाल रहना सिखाउणा पैणा, इहतों परहेज सिखाउणा पैणा, करोना ते जाणा ही नहीं गा, फिर तेरे हिसाब नाल ते स्कूल पक्के ही बंद कर देने चाहीदे, इहनां दा कादा बाइट आउण लिया ते कादा तूं मंत्री बण के बैठा वा? फिर तू इन्ना पढ़िया लिखिया होके रब दे आसरे सारियां गल्लां जिहड़ियां छड्डण दियां करदा कर भी रब आसरे छड्ड दिओ, फिर सरकार किहड़े कम्मां नूं लोकां ने चुनी आ, फिर तू किहड़े कम्म दा वा? जे सब कुछ रब ने ही सही करना फिर तू लांभे हो ते रब आपे वेख लूगा सारा कुछ पंजाब नूं। स्टूडेंट स्कूल ते टीचर दा रिश्ता बहुत वधिया हुंदा जिहनूं तू दाद उत्ते ला के रख दित्ता ते लोकां नूं भड़का के अपना जिहड़ा टाइम टपा रहा वा, जिहड़ी तू एक घंटे दे लैक्चर दे विच 15 मिनट अंग्रेजी दे विच गल कीती, मैनूं ते समझ नहीं आई कि तू दसणा की चाहुंदा सीगा। तू अपने आप नूं जो पेश करन दी कोशिश करदा फेसबुक दे उत्ते असलियत दे विच हैगी नहीं गल। दिल्ली साढ़े नालों वध पढ़ी लिखी स्टेट आ, कभी उत्थों दे मुख्यमंत्री ने इंग्लिश दे विच पब्लिक नूं भाषण नहीं दिता, की दसना चाहुंदा सीगा लोकां नूं कि तू बहुत ज़्यादा एजुकेटड आ, बहुता एजुकेटड ना बन, अपने सरकारी स्कूलों वल ध्यान दे जिदा तेरा फर्ज बनता सी। फिर मैं तैनूं कहना चाहुंदा कि एक घंटे की वीडियो दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह कैप्टन अमरिंदर सिंह कैप्टन अमरिंदर सिंह करता रहा, की गल कि जिहड़े स्कूलों च बच्चे वो सिर्फ कांग्रसियां दे पढ़ते आ बाकी कोई नहीं पढ़ता, तू तो सरकार की प्रमोशन करन दिया सीगा कि जिदा वो लाइव हो जाते कैप्टन अमरिंदर सिंह वीडियो फड़ के उदा ही तू जो लाइव अपना पा दिता। मैं जरूर कहूँगा कि पिता पर पूत जात पर घोड़ा बहुता नहीं तो थोड़ा थोड़ा। मैं अखीर च कहना चाहना कि अज मैं स्कूल्स ते पेरेंट्स इन्हां दोवां धिरां दे नाल आ, स्कूल्स ते पेरेंट्स नूं एकजुट हो के सरकार दा विरोध करना चाहिए, अपने हक मंगने चाहिए आ। सल्यूशन सरकार ने करना है, सरकार ने स्कूलों नूं रहता देनिया, उन्होंने अगों तुहानूं देनिया, अपनी लड़ाई की दिशा बदलो दशा नहीं। 35 सालों का महान अनुभव पंडित के शास्त्री काली उपासक पटियाले वाले, तुरंत घर बैठे करवाओ समाधान।
जिमें वशीकरण, लव मैरिज, नौकरी, कारोबार, माता पिता नूं मनाउणा, पति पत्नी विच अणबण, दुश्मन, सौतण तों छुटकारा, फिल्मी अते मॉडलिंग कैरियर, हर जगह तों धोखा खादे भैण भरा एक बार जरूर फोन करन 98783-3491।